Hello students, welcome back to my class. Today we are going to discuss fifth chapter of your textbook, J.C. Bose, Jagdish Chandra Bose. So J.C. Bose was a famous biologist, physicist as well as a botanist. तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी समरी से. क्वेश्चन आंसर तो आपको किसी भी गाइड में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपको चैप्टर में है क्या ये नहीं मालूम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर क्वेश्चन एंड आंसर्स. इनफैक्ट अगर आप 10 मिनट भी टाइम निकाल कर ये समरी देख लेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो प्लीज़ एक बार आप ये वीडियो ज़रूर देखिए. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द समरी ऑफ द चैप्टर. As I told you, Sir J.C. Bose was one of the greatest scientists of India. He was educated from Cambridge University, London. तो लंदन से उन्होंने अपनी शिक्षा ली. He is considered as father of Bengali science fiction. और बंगाली साहित्य में जो साइंस फिक्शन है उसके वो जनक माने जाते हैं. He invented crescograph, a device for measuring growth of plants. तो besides being a physicist, तो रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पर उन्होंने विशेष आविष्कार भी किया था. और भौतिक शास्त्री होने के अलावा वो एक जीव विज्ञानी भी थे. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनका इन्वेंशन था, क्रेस्कोग्राफ, ये एक इंस्ट्रूमेंट था जो पौधों के ग्रोथ को रिकॉर्ड कर सकता था. ही फाउंडेड बोस इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता. तो कोलकाता में उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी. इट वॉज द फर्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन एशिया, जो न केवल इंडिया में बल्कि इस तरीके के इंटरडिसिप्लिनरी संस्थाओं में से एशिया का भी फर्स्ट था. तो चलिए देखते हैं व्हाट वाज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर जे.सी. बोस रिगार्डिंग द प्लांट फिजियोलॉजी. दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय अ फॉरेन राइटर एल्डस हक्सले, अ फेमस नॉवेलिस्ट एंड एन एसेइस्ट. सो एल्डस हक्सले जब एक बार बोस इंस्टीट्यूट आए जे.सी. बोस से मिलने, तो उनका जो कुछ एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है. चलिए देखते हैं. साइंटिस्ट हैव अ स्पेशल टैलेंट विथ स्मॉल डिवाइसेस विच लुक्स सो सिंपल इन द आई ऑफ अ कॉमन मैन, दे मेक इपोच मेकिंग डिस्कवरीज. तो जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक जो हैं, उनमें अद्भुत प्रतिभा होती है. विथ स्मॉल डिवाइसेस, बहुत छोटे छोटे उपकरणों से, विच लुक्स सो सिंपल इन द आई ऑफ अ कॉमन मैन, एक सामान्य आदमी की नज़र में बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों से दे मेक इपोच मेकिंग डिस्कवरीज. इपोच मेकिंग्स मतलब, इपोच मतलब युग, तो युग बदलने वाले, युगांतकारी जिसको हम बोलते हैं. तो बहुत ही सिंपल चीज़ों से वो बड़े बड़े इन्वेंशंस कर लेते हैं. तो उसी तरीके से जे.सी. बोस आल्सो विथ हिज लिटिल क्लॉकवर्क नीडल्स एंड फिलामेंट्स डिवाइस अ मशीन दैट वुड मेक विजिबल द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो सर जगदीश चंद्र बोस ने भी छोटे से क्लॉक से, नीडल से, कुछ फिलामेंट्स, कुछ वायर से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उपकरण बनाया था, जो कि पौधों की वृद्धि को, प्लांट ग्रोथ को रिकॉर्ड कर सकता था. द पल्स ऑफ देयर वेजिटेबल हार्ट्स. तो जे.सी. बोस ने पौधों को लेकर काफ़ी डिस्कवरी की थी. तो उन्होंने बताया कि प्लांट्स की भी हार्ट बीट होती है, जिसको उन्होंने रिकॉर्ड करके शो किया. तो ये जो मशीन थी वो प्लांट्स के हार्ट बीट को रिकॉर्ड कर सकती थी, ट्विचिंग ऑफ देयर नर्व्स, उनकी नाड़ी के इम्पल्स को कर सकती थी रिकॉर्ड, एंड देयर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकता था. एट द बोस इंस्टीट्यूट इन कोलकाता ही हिमसेल्फ शोड द ऑथर एवरीथिंग विथ एंथुसियाज्म. तो एल्डस हक्सले, ऑथर जब बोस इंस्टीट्यूट में गए कलकत्ता, अभी का ये कोलकाता में, तो जे.सी. बोस ने खुद ही सब तरफ जा जाकर एक एक इंस्ट्रूमेंट उनको समझाया. तो बहुत ही उत्साह के साथ जे.सी. बोस ने डिटेल में सारी चीजें बताई. ही हैड सो मच आइडियाज टू शेयर दैट ही स्टेमर्ड While explaining the methods. तो जे.सी. बोस इतनी सारी चीज़ें ऑथर को बताना चाहते थे कि बताते बताते वो ही वॉज स्टैमरिंग, स्टैमर यानी कि होता है हकलाना. तो इतने सारे आइडियाज़ उनके दिमाग में थे कि वो हड़बड़ी में हकला जा रहे थे बताते बताते. ही शोड द ग्रोथ ऑफ प्लांट
traced automatically by a needle on a sheet of smoked glass. तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो पौधों की वृद्धि को रिकॉर्ड कर रहा था, एक नीडल से, नीडल ग्राफ में घूमता था ऑन अ शीट ऑफ स्मोक्ड ग्लास. तो ये स्मोक्ड ब्लैक कलर का एक ग्लास था, उसमें नीडल जो है आगे ऐसा घूमता जाता था जो प्लांट्स के ग्रोथ को शो करता था. इट्स सडन सफरिंग रिएक्शन टू इलेक्ट्रिक शॉक. तो जेसी बोस ने ये भी दिखाया कि जब प्लांट्स को करंट दिया जाता था, इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसमें कैसा रिएक्शन होता था. ही शोड द प्लांट फीडिंग एंड एक्सहेलिंग माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन विच वॉज शोन बाय अ स्मॉल बेल विच रैंग व्हेन द ऑक्सीजन लेवल रीच्ड अ सर्टेन लेवल. तो उन्होंने प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे चल रही है इसको भी बताया. तो प्लांट्स फीडिंग एंड एक्सेलिंग, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा था प्लांट में, तो बहुत माइन्यूट, माइन्यूट माने बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन जो है उस फोटोसिंथेसिस से निकल रहा था. और ये ऑक्सीजन जब जमा होते होते एक लेवल तक पहुंचता, तो एक छोटी सी बेल लगी हुई थी जो ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद ही हल्की सी आवाज में बजती थी. सो दिस वॉज द इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड बाय जेसी बोस. जेसी बोस ने ऑथर को सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके दिखाई. ही शोड दैट द बेल रैंग ऑफन व्हेन द प्लांट वॉज इन सनलाइट. जब पौधे को सूर्य की रोशनी में रखा गया था तो घंटी जो है बहुत जल्दी जल्दी बजती थी, इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस चल रहा था और ऑक्सीजन जैसे जैसे रिलीज होता तो वो घंटी बजते जाती थी. व्हेन केप्ट इनसाइड द बेल रैंग एट लॉन्ग इंटरवल्स. तो जब उसी प्लांट को छाया में रख दिया गया, तो चूंकि शेड में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया या बहुत कम मात्रा में होने लगा, तो वो घंटी जो थी वो बहुत देर देर बाद बज रही थी. व्हेन अ स्टिम्युलेंट लाइक कॉफी वॉज एडेड द बेल रैंग वायलेंटली. और इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि प्लांट को जिस पानी में रखा गया था उस पानी में कुछ स्टिम्युलेंट, उद्दीप्त जैसे बोला जाता है, जो स्टिम्युलेट करते हैं बॉडी को, लाइक कॉफी, कैफीन या टैनिन, तो ये जो इसके ग्रेन्स उस पानी में डाले गए, तो उसके बाद घंटी जो है बहुत जल्दी जल्दी वायलेंटली जोर से बजने लगी थी. दैट मीन्स ये जो स्टिम्युलेंट थे टी और कॉफी का भी प्लांट्स के बॉडी में वैसा ही असर हो रहा था जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है. तो ये सारी चीजें जेसी बोस ने पहली बार शो करके, प्रूफ करके दिखाई थी. ही शोड दैट एट द गेट देयर वॉज अ बिग प्लांट. जेसी बोस ने ये भी दिखाया कि उनके इंस्टीट्यूट के बाहर में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था. इट वॉज ट्रांसप्लांटेड. और आश्चर्य की बात ये थी कि इस बड़े से पेड़ को दूसरी जगह से लाकर लगाया गया था. जनरली इट इज फैटल फॉर बिग ट्रीज बट बोस एडमिनिस्टर्ड क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थेसिया एंड द ट्री इमिडिएटली टुक रूट एट द न्यू प्लेस. तो सामान्यतः हम बड़े पेड़ों को कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर नहीं लगा पाते, क्योंकि बड़े पेड़ को अगर उखाड़ दिया जाए तो उसकी मौत हो जाती, वो दूसरी जगह रूट नहीं ले पाता. लेकिन जेसी बोस ने ये काम भी कर दिखाया था, बहुत बड़े पेड़ को उखाड़ कर उन्होंने उस जगह पर लाकर लगवाया था. तो बोस ने ये एक्सप्लेन किया कि चूंकि बड़े पौधे को जब उखाड़ा जाता है तो उसको शॉक लगता है और उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उन्होंने उसको एनेस्थेसिया दे दिया, क्लोरोफॉर्म दे दिया, तो वो पेड़ बेहोशी की हालत में जब उसको उखाड़ा गया और दूसरी जगह पर लगाया गया तो आसानी से फिर से उस पेड़ ने रूट्स पकड़ लिए. तो एन ओवरडोज ऑफ क्लोरोफॉर्म वॉज एज फैटल एज इट इज फैटल टू ह्यूमन बींग. जेसी बोस ने ये भी बताया कि अगर इसी क्लोरोफॉर्म के डोज को बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो जो ओवरडोज है इट इज फैटल. फैटल मीन्स जो मौत का कारण बन सकता है, घातक. तो अगर क्लोरोफॉर्म का डोज ज्यादा हो तो ये पौधे के लिए भी उतना ही घातक है जितना कि ह्यूमन बींग्स के लिए. तो ओवरडोज के कारण डेथ भी हो जाती है, उसी तरीके से प्लांट्स की भी डेथ हो सकती है, ये जेसी बोस ने बताया. इन अनदर लैब ही शोड द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्डेड हार्ट बीट ऑफ द प्लांट
बाई अ सिस्टम ऑफ लीवर्स विच वर्क लाइक बैरोमीटर। तो एक दूसरे लैब में जेसी बोस ऑथर को एल्डस हक्सले को लेकर गए और उन्होंने दिखाया एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि प्लांट्स के हार्ट बीट को रिकॉर्ड कर सकता था। वो एक लीवर की तरह, बैरोमीटर की तरह काम कर रहा था जो एयर प्रेशर को मेजर करता है। द माइन्यूट पल्सेशन ऑफ प्लांट वॉज मैग्निफाइड अप टू 10 मिलियन टाइम्स। तो जेसी बोस ने ये बताया कि जो प्लांट्स की भी हार्ट बीट होती है वो बहुत ही माइन्यूट होती है, बहुत धीमी। तो उन्होंने उसको 10 मिलियन टाइम, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, सोचिए उसको 10 मिलियन टाइम, 100 लाख टाइम उसको मैग्निफाई किया, बड़ा करके वो इंस्ट्रूमेंट जो है प्रदर्शित कर रहा था, तब जाकर ह्यूमन आइज को वो दिखाई दे रहा था। हिज इंस्ट्रूमेंट हैज मेड विजिबल द थिंग्स विच हैज बीन नॉट पॉसिबल इवन विद द हेल्प ऑफ मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो जेसी बोस का जो इंस्ट्रूमेंट था, उनका जो उपकरण था, उसके कारण ये चीज भी हमको दिखाई दे रही थी जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव नहीं था। अ ग्रेन ऑफ कैफीन और कैम्फर, तो कैफीन मतलब कॉफी, कॉफी का जो टुकड़ा है वो, या फिर कैम्फर कपूर, अफेक्ट द प्लांट्स हार्ट एग्जैक्टली द सेम वे एज इट अफेक्ट द हार्ट्स ऑफ एनिमल्स। तो अगर उस पानी में कॉफी का ग्रेन टुकड़ा डाल दिया जाए या कपूर को डाल दिया जाए तो वो वैसा ही प्लांट को प्रभावित कर रहा था जैसा कि इंसानों को या दूसरे एनिमल्स को करता है। द पल्स ऑफ प्लांट्स हैड बिकम मोर रैपिड एंड वायलेंट। तो इस स्टिम्यूलेंट को डालने के बाद, पानी में जब उसको डाला गया, तो प्लांट्स की जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, रैपिड, तेज हो गया था, वायलेंट, बहुत तेजी से पल्स रेट बढ़ता गया। तो ये इंस्ट्रूमेंट ये शो कर रहा था कि प्लांट्स की ग्रोथ तो हम रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, हार्ट बीट को भी उन्होंने शो करके दिखाया, साथ ही ये भी दिखाया कि किसी भी स्टिम्यूलेंट का प्लांट्स पर भी वैसे ही प्रभाव पड़ता है जैसे एनिमल्स या दूसरे लिविंग बींग्स पर पड़ता है। After showing the effect of stimulant on the plant, J.C. Bose then he administered poison. तो J.C. Bose ने जिस पानी में वो प्लांट रखा हुआ था उसमें पॉइजन, जहर डालकर भी दिखाया। मॉर्टल डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का ओवरडोज दिया गया जो कि प्लांट के लिए घातक था, उससे प्लांट की डेथ भी हो सकती थी। एज इट पैरालाइज्ड प्लांट्स हार्ट, तो उस पॉइजन के कारण प्लांट का जो हार्ट था वो पैरालाइज, लकवाग्रस्त हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। सो द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द ग्राफ फ्लैटन्ड एंड एट लास्ट इट बिकेम हॉरिजॉन्टल। तो जिस ग्राफ पर उसका पल्स रेट, पल्सेशन अप एंड डाउन के साथ दिखाई दे रहा था वो अब धीरे धीरे फ्लैट होने लगा, एट लास्ट इट बिकेम हॉरिजॉन्टल, और लास्ट में वो बिल्कुल सीधी लाइन में आ गया, प्लेन। एट लास्ट मोमेंट इट शोड शार्प इररेगुलर अप्स एंड डाउन, लेकिन प्लांट्स के आखिरी जो क्षण थे वो उस समय जब ग्राफ फ्लैट हो रहा था तो बीच बीच में शार्प इररेगुलर अप्स एंड डाउन्स, अचानक से ग्राफ जो है नीचे ऊपर होता था, जैसा जैसे ऐसा लग रहा था जैसे प्लांट्स जो है मरने के जस्ट पहले छटपटा रहा हो। विच शोड द एगनी ऑफ द मर्डर्ड क्रीचर डेस्परेटली स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी एनिमल का मर्डर कर दिया गया हो और वो आखिरी मोमेंट में जीने के लिए छटपटा रहा हो। तो डेस्परेटली स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, तो जीवन के अंतिम क्षण में जैसे छटपटाहट होती है वैसा उस ग्राफ में नजर आ रहा था, अचानक अचानक से ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा था और लास्ट में वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन हो गया, जैसे हम आईसीयू में पेशेंट्स को देखते हैं, स्क्रीन पर जो उनकी हार्ट बीट होती है वो अप डाउन होते रहती है और डेथ होते ही वो लाइन पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। द स्पेक्टेकल ऑफ डाइंग एनिमल अफेक्ट अस पेनफुली बट द प्लांट्स एगनी इज अनसीन सो वी आर इनडिफरेंट टू इट। तो किसी भी एनिमल को अगर हम मरते हुए देख लें तो हमारा मन बहुत अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन चूंकि प्लांट का जो दर्द है वो हमको दिखाई नहीं देता सो वी आर इनडिफरेंट टू इट, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ पाता, हमको पता ही नहीं चलता। बट हियर द लास्ट मोमेंट ऑफ द प्लांट्स वर वेरी डिप्रेसिंग लाइक दोज ऑफ मेन, लेकिन यहाँ पर
जो पौधे के मृत्यु के समय अंतिम क्षण थे वो इतने दुखी करने वाले थे। ऑथर को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी आदमी को ही मरते हुए देख लिया हो। सेंसिटिव सोल्स होम अ विजिट टू द स्लॉटर हाउस चेंज देम टू वेजिटेरियंस। तो कुछ लोग बहुत सेंसिटिव जो होते हैं वो अगर स्लॉटर हाउस में जाते हैं, बूचड़ खाने में जहाँ एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता रहता है, तो वहाँ पर जाकर वो वहाँ का दृश्य इतना विभत्स होता है कि वे पूरी तरह से नॉनवेज को छोड़कर वेजिटेरियन हो जाते हैं। आफ्टर वॉचिंग द मर्डर ऑफ अ प्लांट दे शुड कन्फर्म देयर मेनू टू मिनरल डाइट। लेकिन ऐसे लोग अगर जेसी बोस के इंस्टीट्यूट में ये प्लांट का जो मर्डर, ऑथर ने उसको मर्डर कहा है क्योंकि वो बहुत ही दुखद था देखने में, तो प्लांट के इस मर्डर वाले सीन को अगर वो देख लेंगे तो वो शायद प्लांट्स को भी खाना छोड़ देंगे और मिनरल डाइट पे ही लिमिटेड हो जाएंगे, खनिज पदार्थों के ऊपर ही। But Bose's later researches have proved that metals too respond to stimuli like plants and animals. तो जेसी बोस के बाद के रिसर्च ने ये भी प्रूफ किया है कि मेटल्स में, धातुओं में भी सेंसेशन होता है, और वो भी स्टिम्यूलाई, ये जो स्टिम्यूलेंट हैं जो हमको उत्तेजित करते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी और कैम्फर की हमने बात की, उनका असर मेटल्स पे भी वैसे ही होता है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स पर होता है, अर्थात वे भी फील कर सकते हैं। This claim has deprived the conscientious practitioners of ahimsa from their last hope because everything is alive. तो इस रिसर्च के कारण कुछ लोग जो अहिंसा के कर्तव्यनिष्ठ पुजारी होते हैं, कंसेंशियस मतलब बहुत केयरफुली अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे लोग उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जेसी बोस, बोस के रिसर्च के अनुसार एवरीथिंग इज अलाइव, हर चीज में जीवन है, प्लांट्स में, एनिमल्स में और मेटल्स में भी। So this was all about the summary of the chapter. In the next video, we will be discussing about question and answers. Okay, so thank you very much for watching this video. Keep watching the next videos and keep writing your comments. Thank you.